दोस्तों क्या आप जानते हैं इस सीजन के आईपीएल में रनों की बारिश हुई है और दो बार टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रन फेस्ट में सबसे तेज रन कौन बना रहा है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कम रन बनाने वाले कुछ खिलाड़ी सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। जयदेव उनादकट सिर्फ एक गेंद खेलकर छक्का लगाकर 600 की स्ट्राइक रेट हासिल करने वाले जयदेव इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। रोमारियो शेफर्ड 20 गेंदों पर 56 रन बनाकर 280 की स्ट्राइक रेट के साथ दूसरे नंबर पर स्थित हैं। कगिसो रवाड़ा 3 गेंदों पर 8 रन बनाकर 266 की स्ट्राइक रेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं कगिसो रवाड़ा। लेकिन कम से कम 50 गेंदें खेलने वाले बल्लेबाजों में कौन आगे है? दिनेश कार्तिक 110 गेंदों पर 226 रन बनाकर 205 की स्ट्राइक रेट के साथ दिनेश कार्तिक सबसे आगे हैं। आशुतोष शर्मा 76 गेंदों पर 156 रन बनाकर 205 की स्ट्राइक रेट के साथ दूसरे नंबर पर स्थित हैं। आंद्रे रसल 64 गेंदों पर 128 रन बनाकर 200 की स्ट्राइक रेट के साथ तीसरे नंबर पर स्थित हैं आंद्रे। तो आपके हिसाब से इस आईपीएल सीजन में सबसे तेज बल्लेबाजी कौन कौन कर रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिक न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।